नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। आज हम बात करेंगे इंसानी दिमाग के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर में आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि इंसानी दिमाग में 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। नंबर 2, दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन अकेला ही इस्तेमाल कर लेता है। नंबर 3, हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता है। नंबर 4, हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए यह सबसे अधिक चर्बी वाला अंग होता है। नंबर 5, सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। नंबर 6, जो बच्चे 5 साल का होने से पहले 2 भाषाएं सीख लेते हैं उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। नंबर 7, दिमाग की 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। नंबर 8, दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले सुमेर से मिलता है। नंबर 9, 90 मिनट तक पसीने में तर रहने से आप हमेशा के लिए एक मनोरोगी बन सकते हैं। नंबर 10, बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते क्योंकि उस समय तक हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं होता, यह किसी चीज को याद रखने के लिए जरूरी है। नंबर 11, छोटे बच्चे इसलिए ज्यादा सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। नंबर 12, 2 साल की उम्र में किसी भी उम्र से ज्यादा ब्रेन सेल्स होती हैं। नंबर 13, अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और अब आपको कुछ याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब भूल गए हो, बल्कि ज्यादा शराब पीने से आदमी को कुछ नया याद ही नहीं होता। नंबर 14, एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। नंबर 15, हमारे आधे जीन्स दिमाग की बनावट के बारे में बताते हैं और बाकी बचे आधे जीन्स पूरे शरीर के बारे में बताते हैं। नंबर 16, हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है, यह कंप्यूटर की तरह कभी नहीं कहेगा मेमोरी फुल हो गई है। नंबर 17, अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सभी प्राणियों से बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% होता है, बल्कि मनुष्य का 2%। नंबर 18, एक जिंदा दिमाग बहुत नरम होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नंबर 19, जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। नंबर 20, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जैसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक मिथ है, पूरा दिमाग इकट्ठा काम करता है। नंबर 21, चॉकलेट की खुशबू से दिमाग में ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जिनसे मनुष्य आराम महसूस करता है। नंबर 22, जिस घर में ज्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा युद्ध का सैनिकों पर। नंबर 23, टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसीलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। बच्चों का दिमाग कहानियां पढ़ने से और सुनने से ज्यादा विकसित होता है क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चे ज्यादा कल्पना करते हैं। नंबर 24, हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में नई झुर्रियां विकसित होती हैं और यह झुर्रियां ही IQ का सही पैमाना है। नंबर 25, अगर आप खुद को मना लें कि हमने अच्छी नींद ली है तो हमारा दिमाग भी इस बात को मान लेता है। नंबर 26, हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। नंबर 27, हेलमेट पहनने के बाद भी दिमाग को चोट लगने की संभावना 80% होती है। नंबर 28, मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसलिए वह कोई दर्द महसूस नहीं करता। नंबर 29, एक ही बात को काफी देर तक टेंशन लेकर सोचने से हमारा दिमाग कुछ समय के लिए सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। नंबर 31, अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय तक काम करते हैं तब आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है।
तो फोन को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी जरूरत हो। नंबर 32, अगर दिमाग से एमिगेटला नाम का हिस्सा निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। नंबर 33, ब्रेन यानी दिमाग और माइंड यानी कि मन दो अलग अलग चीजें हैं। वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि मन शरीर के किस हिस्से में है। नंबर 34, हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम MDS होता है जो घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। हो सकता है कि हम इसे ही अंतर्ज्ञान अथवा भविष्य के पूर्वानुमान कहते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में यह सिस्टम जितना ज्यादा विकसित होता है वह उतनी ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। दिमाग तेज करने का सबसे आसान उपाय है जमकर पानी पिए। एक गिलास पानी पीने से दिमाग 14% तेजी से काम करता है। जब तक प्यास शांत नहीं हो जाती तब तक मनुष्य के दिमाग को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है।